नमस्कार डॉक्टर एडवाइज में स्वागत है आपका और मैं हूँ आपके साथ डॉली। कुदरत का खूबसूरत तोहफा है आंखें, क्योंकि इन्हीं के जरिए हम इस खूबसूरत दुनिया को देख पाते हैं। इसीलिए आंखों का ख्याल रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें कम नज़र आता है या फिर जिन्हें चश्मा लगाना पड़ता है। आज के एपिसोड में जानेंगे क्या है आंखों की आम समस्याएं, उनके कारण, कैसे रखें आंखों का ख्याल और क्यों आवश्यक है समय पर आंखों का उपचार। और इसी विषय पर तमाम जानकारियां देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पुरेंद्र भसीन, रतन ज्योति नेत्रालय से आई स्पेशलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे इस प्रोग्राम डॉक्टर एडवाइस में। थैंक यू डॉली, और इस कार्यक्रम में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं ग्वालियर की जनता और संभाग की जनता के साथ रूबरू हो सकूँगा, और जो भ्रांतियाँ हैं नेत्र रोग से संबंधित और जो जानकारी हम पहुंचाना चाहते हैं, और उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं इस चैनल को। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब, और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अगर हम नेत्र रोगों की बात करें तो चाहे बच्चे हों या बड़े, हर कोई इसकी गिरफ्त में है। ज़्यादातर जो समस्याएं हैं वो बचपन से ही देखी जाती हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं जिन्हें चश्मा लग जाता है। तो अमूमन जो पेशेंट जो है वो आपके पास आते हैं, तो वो किस रोग के पेशेंट आते हैं आँखों की अगर हम बात करें तो? आँखों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो कि चश्मे की, जिसको कि हम रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं आम भाषा में। तो रिफ्रैक्टिव एरर सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो बच्चों में और बड़ों में होती है और पाई जाती है, और समय रहते बच्चों का भी इलाज और चश्मे पहनाना जरूरी है। और आजकल स्कूल आई चेकअप्स इसीलिए करने चाहिए और होने चाहिए और बच्चों को उसमें करवाना चाहिए। और अगर पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चा बहुत नज़दीक से अपनी बुक्स पढ़ रहा है, या टीवी बहुत पास जा कर के देख रहा है, या एक आँख में महंगापन आ गया है, या बार बार आँखों को झपकाता है, तो उसको हो सकता है, या उसको सिर में दर्द होता है, हो सकता है उसको चश्मे की ज़रूरत हो, जो हम उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं और उसको पहनाना और जांच कराना और उसको पहनाना ज़रूरी है। जैसे आंखों की देखभाल की अगर बात आती है, तो ऐसे में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, शुरुआती तौर पे ही नवजात जो शिशु हैं उनको काजल लगाना शुरू कर दिया जाता है, और कहते हैं कि आंखें बड़ी दिखेंगी, सुंदर दिखेंगी इससे बच्चे की आंखें। और फिर वहीं बात आती है अगर महिलाओं की, तो खूबसूरत दिखने के लिए महिलाएं भी काजल यूज़ कर रही हैं, और कई तरह तरह के ब्रांड्स के काजल यूज़ किए जाते हैं। बच्चों और महिलाओं दोनों में कितना आवश्यक हो जाता है ख्याल रखना कि काजल किस तरह से लगाया जाए, या फिर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कितना ख्याल रखने की आवश्यकता है? देखिए, काजल कोई मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। कुछ भ्रांतियाँ आएँ कि उससे नज़र बढ़ती है, पर आपने बिल्कुल सही कहा कि उससे सिर्फ आँख बड़ी दिखती हैं, खूबसूरती आती है। तो काजल लगाना किसी को लगता है तो कभी कभी लगाया जा सकता है, अमूमन कभी पार्टी वियर में या कभी ऐसे डेली लगाने से उससे दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। और हम जिन बच्चों को आंसू आते हैं, पानी आता है लगातार, आँख से कीचड़ आता है, तो वो उन बच्चों को तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि काजल जो है एक फॉरेन बॉडी है, हम आँख में लगा रहे हैं, वो अगर वो प्रॉपरली बना नहीं है और उसकी फाइननेस नहीं है, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, उसमें इन्फेक्शन किस तरीके का है, तो वो आँख को नुकसान ही पहुंचा सकता है, फ़ायदा नहीं देगा। तो खूबसूरती के लिए आपको ही पर्सन को ही एवेल्युएट करना है कि क्या चीज़ ज़रूरी है क्या नहीं, तो हम तो इसको रिकमेंड नहीं करते। लेकिन घरों में देखा जाता है कि अगर एक ही घर के लोग हैं, क्लोजन है, तो वो क्या करते हैं कि कॉमनली एक ही काजल का यूज़ कर रहे हैं, तो वो अवॉइड करना चाहिए। वो अनसेफ प्रैक्टिस है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है जी। और कि एक का इन्फेक्शन दूसरे पर्सन को कैरी कर सकता है, तो वो चीज़ बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, उसको हम बिल्कुल भी वो नहीं, एनकरेज नहीं करेंगे। जैसे कि वेदर चेंजेस को अगर हम बात लेके करें, तो कई बार देखा जाता है जैसे ही मौसम में परिवर्तन होता है, वैसे ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आंखों में इचिंग होना, खुजली होना, आंखों से पानी आना, इस तरह की कई सारी समस्याएं जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। क्या कारण मानते हैं कि जैसे ही मौसम परिवर्तन हो रहा है तो लोगों में ये समस्याएँ आ रही हैं? देखिए, ये मौसम के साथ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो स्प्रिंग वेदर है या जिसमें कि फूल पत्ती है और ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, और कुछ वेदर में अपन देखते हैं कि ये कीड़े और ये जो माइक्रो जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं ये बढ़ जाते हैं मौसम, तो वातावरण में उनके द्वारा जो है एलर्जेंस बहुत कॉमन हो जाते हैं वातावरण में, एयर में एलर्जेंस और पॉलन्स का बहुत ज़्यादा वो परसेंटेज बढ़ जाता है।
तो जब हमारी आंखें उनके कांटेक्ट में आती हैं तो हमारी आंखों में एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होने की संभावना होती है। तो इन और इसके साथ ही जो हम देखते हैं कि आई फ्लू, जी तो गर्मियों के मौसम में आई फ्लू होने के चांसेस रहते हैं, और वो चूंकि वातावरण में है तो किसी को भी हो सकते हैं। जी और वो आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, कॉमन प्लेटफॉर्म कॉमन चीज़ों को हाथ लगा रहे हैं, तो और वो ही आँख में जरा सी इचिंग हुई, अपन ने अपनी आँख में लगा लिया, तो जी उसके द्वारा आँख के अंदर ये इन्फेक्शन हो जाते हैं। वो वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, कीचड़ भी आता है, सूजन आ जाती है, ऐसे में आँखों में पानी आता है, किरकिराहट होती है, चुभन सी होती है और खुजली होती है, बार बार आँख को रगड़ना पड़ता है, का मन करता है, लालपन आ जाता है। तो इसके लिए हमें जो कॉमन जो कर सकता है इंसान वो ये कि स्वच्छ पानी से लगातार दिन में 3-4 बार आँखों को धोना चाहिए, तो जो भी ये पॉलन्स एलर्जेंस जितने भी हैं ये वॉश आउट हो जाए, बाहर निकल जाए आँखों के, और हमारा कॉन्टैक्ट ड्यूरेशन टाइम कम हो जाए। और इसके बावजूद भी अगर बनता है, परेशानी बनी रहती है, तो अपने निकटतम डॉक्टर से सलाह लेकर के और उसका इलाज कराना चाहिए अगर जैसा बड़ी आपने हुई कहा कि होती है। गर्मी के मौसम में आई फ्लू की समस्या जो है बहुत बढ़ जाती है, ऐसे में जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती हैं वो कितना अफेक्ट करती हैं आँखों को? हाँ, गर्मी में सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनसे हमको सबको बचाव करना चाहिए, और जी हमें डार्क ग्लासेस जो कि अच्छे चश्मे होते हैं जिनमें कि प्रॉपर अल्ट्रावायलेट रेज का प्रोटेक्शन होता है। तो जी कुछ ऐसे चश्मे होते हैं जिनमें हम 98% तक, 99% तक यूवी प्रोटेक्शन हो सकता है, तो ये ब्रांडेड और अच्छी कंपनी के ही लेने चाहिए और वो लगाना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा हमारी आँखों में अगर अल्ट्रावायलेट रेज का ज़्यादा आँखों में जाता है तो मोतियाबिंद भी हो सकता है, मैकुलर डिजनरेशन भी हो सकता है, और टेरिजियम भी उनकी वजह से देखा जाए गया है, तो ये जो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं वो उनमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जैसे आपने बताया गर्मी के मौसम में पलकों पर सूजन जैसी समस्याएं भी देखी जाती हैं, तो इसे किस श्रेणी में मानते हैं और किस तरीके से ये इन्फेक्शन दिखाई देता रहता है, है? स्टाई है, कॉमन जो अपने गोहरी आम भाषा में कहते हैं, जी वो जी बहुत जी कॉमन होने लगती है। ज़रा सी इचिंग हुई, अपने हाथ गंदे हैं, अपनी इन्फेक्शन हुआ और पलक में कठान बन गई, सूजन बन गई, जी तो गोहरी जिसको आम भाषा में अपन कहते हैं, तो उसको हम हार्डियोलियम या स्टाई कहते हैं टेक्निकली। लेकिन तो एक चीज़ गोहरी की जैसे बात निकल कर आई है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ये मान्यता है कि वो बहुत ही हास्य पदले ये लगेगा लेकिन कि वो एक बार हुआ है तो वो 7 बार होगा ही, ऐसा तो कुछ ये हो नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप मैं कि रिकरेंस कॉमन है जो उनका सोच है और जो उनके बारे में वो, क्योंकि अगर हम उसका लॉजिक आप समझें कि अगर हम उसको जड़ से नहीं ठीक करें, उसका कारण नहीं पता करें जी कि क्या कारण है, क्यों हो हुई है, तब तक हम वो बार बार होती रहेगी। जी तो उसका लॉजिक यही है कि आँख में एलर्जी है या फॉरन कुछ भी ऐसा कारण है कि हम बार बार आँखों को मल रहे हैं, और चूंकि आँखों को मलना पड़ रहा है और हमारे हाथ जो इन्फेक्टेड हैं तो हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं जिनमें से हमारे टीयर्स बनते हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, जी हमारे आंसू जो ग्लैंड से बनते हैं तो वो इन्फेक्ट हो जाते हैं हमारे गंदे हाथों की वजह से, तो जब उनका इन्फेक्शन होता है तो आँख में गोहरी होती है। तो हम उसका सीधा सरल छोटा सा उपाय है कि अवॉइड कर सकते हैं कि हम आँखों को मलने से बचाएं और लेकिन मले नहीं, तो वो एक बार हुई तो फिर आगे दोबारा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नॉर्मल केमिस्ट के पास में जाकर आई ड्रॉप किसी भी ब्रांड के यूज़ कर लेते हैं, या फिर टीवी पे उन्होंने किसी तरह का कोई प्रचार प्रसार के माध्यम से उन्होंने कोई ड्रॉप का ऐड देख लिया और वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको आप कितना सही मानते हैं? मैं क्या मेडिकल प्रैक्टिस में कहीं पर भी इस चीज़ को एक्सेप्टेबल नहीं माना गया प्रैक्टिस को, और इसके नेगेटिव इफेक्ट भी बहुत है, क्योंकि ओवर द काउंटर कई बार कोई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनमें स्टेरॉइड्स होते हैं, तो वो लगातार लोग इस्तेमाल करते रहते हैं, उनको कुछ थोड़ा सा राहत मिल लगती है तो, और हमने देखा है बच्चों और बड़ों में ओवर द काउंटर जो आप बता रही हैं कि मेडिकल स्टोर से जी लेकर के वो ब्लाइंड तक हो गए, यानी कि बच्चे ये भी बहुत जिनमें 5-6 साल गंभीर 10 साल के बच्चे हमको सब कुछ करने के बाद भी मतलब एक आंख में कुछ नहीं कर सकते, ये आज की तारीख में भी हमको देखने को मिलता है, तो उनसे ग्लोकोमा हो गया, नर्व डैमेज हो गई परमानेंट, और ये बड़े जल्दी मतलब 2-4 साल के अंदर ही ऐसा हो जाता है, तो बेहतर ये है कि हमें मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। जी। जैसे बच्चों की अगर हम बात करें तो अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत जल्दी छोटी सी एज में चश्मा लग जाता है, पढ़ाई लिखाई को लेकर बात की जाए तो ऐसे में जो रोशनी है उसका इफ़ेक्ट कितना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा लाइट में पढ़ाई करना या बहुत कम लाइट में पढ़ाई करना आँखों को कितना अफेक्ट करता है?
कम लाइट में तो नहीं पढ़ना चाहिए, डिम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए, और बहुत ब्राइट लाइट में भी इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें ग्लेयर होती है जी। और हमें अक्षर को और जो लेटर्स हैं उनको रिकग्नाइज करने में डिफ़िकल्टी आती है। जैसे ओवर एक्सपोज फोटोग्राफ होगा तो वो उसमें क्लियरिटी नहीं आएगी। सिमिलरली हम जब ब्राइट लाइट होगी तो उसमें क्लियरिटी नहीं आएगी, तो हम हमारी आंखों पर स्ट्रेन पड़ेगा। तो एक ऑप्टिमम लाइट होनी चाहिए पढ़ते समय, नेदर ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। जैसे स्टडी को लेकर हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में ऑनलाइन स्टडी का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लोग जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज प्रेफर ना करके ऑनलाइन स्टडी प्रेफर कर रहे हैं, तो ऐसे में मोबाइल फ़ोन पर स्टडी करना, कंप्यूटर पर स्टडी करना आँखों को कितना अफेक्ट करता है, और साथ ही जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है उसको भी समझना चाहेंगे। एक चीज़ और मैं ऐड करूँगी कि जो लेवल है वो कितना हो कंप्यूटर स्क्रीन से, और हमारी आंखों का जो लेवल है या मोबाइल से आंखों का जो लेवल है वो किस तरीके से हम मेंटेन करके चलें। मेरे ख्याल से ये दो जो आपके पहले प्रश्न थे वो आपस में मिले हुए हैं कि बच्चे आजकल ऑनलाइन स्टडी करते हैं, तो हम उसमें कोई भी ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि वो स्टडी नहीं करें। ऑनलाइन स्टडी का आजकल ट्रेंड है और कंप्यूटर पे लैपटॉप पे ही पढ़ने का आजकल ट्रेंड है और सब कुछ उस पर अवेलेबल है, तो क्यों नहीं किया जाए, पर सावधानी के साथ। तो वो सावधानियाँ ये हैं कि हमें एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, 33 सेंटीमीटर, और इतना दूर रहना ही चाहिए कंप्यूटर स्क्रीन को, और उसका जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो ऊंचा नहीं होना चाहिए, मतलब हमारी आंखों के लेवल से ऊपर नहीं होना चाहिए, आंखों के लेवल से नीचे होना चाहिए। इसका कारण ये है कि हम जितना ऊपर रखेंगे उतनी हमारी आँख ज़्यादा खुलेगी, तो जब ज़्यादा खुलेगी तो उसमें ड्राइनेस होने की संभावना, इरिटेशन और इचिंग होने की संभावना और आई स्ट्रेन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल, जो भी लैपटॉप टैबलेट जो भी है वो लोअर डाउन होना चाहिए, और हमें 20-20 का वो ध्यान रखना चाहिए कि 20 मिनट पढ़े और उसके बाद 20 सेकंड तक आँखों को बंद करके राहत देनी, तो उसको बंद करना है, खोलना है और आँख को उसको रेस्ट देनी है। तो ये 20-20 का एक ये प्रिंसिपल को इस्तेमाल करें जी। और दूसरा, लगातार घंटों तक कंप्यूटर पे या स्टडीज़ में ध्यान नहीं दें, बीच बीच में हमें 2 घंटे पढ़ाई की, उसके बाद ब्रेक लिया, फिर पढ़ाई की। ब्रेक से मतलब ये है कि हम दोबारा जैसे लैपटॉप से आए, हम ब्रेक ले रहे हैं, पढ़ने का तो ब्रेक हो गया लेकिन हमने मोबाइल पकड़ लिया, हम टीवी देखने लगे। तो ये तीनों चीज़ें स्क्रीन से रिलेटेड हैं आपस में, और उनका काम करने का शैली एक ही है जी। तो हमें उस पीरियड में जब हम ब्रेक ले रहे हैं तो हम गॉसिप करें, किसी से बात करें और दूर की चीज़ देखें, क्योंकि लगातार हम अभी तक पास की चीज़ ही देख रहे हैं, हम नज़दीक की मसल्स को, नज़दीक की चीज़ों को ही देख रहे हैं, तो वही लगातार काम कर रही हैं, तो वो थक भी जाती हैं। तो हम डिस्टेंस की चीज़ें देखें तो उससे आई को रेस्ट मिलती है, और आँख को बंद करें और चारों तरफ घुमाएँ, ऊपर नीचे दाएँ बाएँ थोड़ा सा दबा करके हल्के से, तो उससे भी आँख को हेल्प राहत मिलती है उसकी और रिलीफ मिलता है। तो ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की यही चीज़ें हैं जिनसे कि हम रिलीफ दे सकते हैं, और जो चाइल्ड है उसकी स्ट्रेन को कम कर सकते हैं, पढ़ने वालों के बच्चों की उनके स्ट्रेन को कम कर सकते हैं। और आपने तीसरी चीज़ इसी से लेवल मेंटेन जो आपने डिस्टेंस का आपने पूछा था, तो वो ये है कि अपने को समय मतलब एक डिस्टेंस प्रॉपर रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा पास भी नहीं हो, 33 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर एक ऑप्टिमम डिस्टेंस है जी। और जैसे मोबाइल फ़ोन की बात निकल कर आई है तो आजकल बहुत ही ज़्यादा देखा जा रहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 या 5 साल के बच्चे, आज हर किसी को मोबाइल फ़ोन चाहिए। आउटडोर गेम्स का तो ट्रेंड जैसे ख़त्म ही हो गया है, बच्चे घर पर ही कंप्यूटर या मोबाइल पर गेम्स अवेलेबल हैं और पेरेंट्स भी मना नहीं करते हैं आजकल बच्चों को, तो ऐसे में किस तरह की जो शिकायतें हैं वो पेरेंट्स आपके पास लेकर आते हैं बच्चों को लेकर कि आँखों से जुड़ी हुई उनको कोई समस्या ऐसी हो गई है मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने से लेकर, जो छोटे बच्चे हैं उनकी बात करें? कई चीज़ें हैं, अभी हमारे पास कुछ महीनों पहले एक बच्चा आया था जो रात भर मोबाइल पे देखता रहा और सुबह उसको एक आँख से बहुत कम देखने लगा, हालांकि वो रिकवर हो गया। तो एक आई इतनी ज़्यादा ब्लीच जैसे हो जाती है ना, तो वो हमारे रेटिनल नर्व फाइबर से वो ब्लीच हो गए, और दूसरी आई चूँकि एक आँख बंद करके वो देख रहा था और लगातार देखता रहा, तो उसको ये हुआ कि दूसरी आँख से जिस आँख से देख रहा था उससे सुबह उसके दिखना कम हो गया, बहुत कम दिख रहा था, तो वो परेशान थे पेरेंट्स बहुत, लेकिन वो रिकवर अपने आप ऑटोमेटिकली हो गया, पर लॉन्ग टर्म पे इनका दुष्प्रभाव होते ही है। तो कहने का मतलब है कि हमें बच्चों को ये बहुत ज़रूरी है कि आउटडोर गेम्स खेलें,
और सनलाइट का एक्सपोजर हो। आप जो बात कर रहे थे कि बच्चों में चश्मे का, तो रीसेंट वर्ल्ड की स्टडीज़ जो हैं हमारे एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर, जिसमें कि जापान, कोरिया, मलेशिया, मॉरिशस और अपना भारत देश, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब पूरे एशिया के जितने भी देश हैं, चाइना भी, तो उनमें पाया गया है कि चश्मे के नंबर, मायोपिया जिसको कहते हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा हो गया। अभी भी हमारे पास पेरेंट्स आते हैं कि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे पेरेंट्स को, मैं, हम दोनों को चश्मा नहीं है लेकिन हमारे बच्चे को बच्चे चश्मा क्यों है। तो तो क्या ये जेनेटिक हो सकता है? जेनेटिक तो होता है, वो तो वो भी कहते हैं कि हम लोगों को नहीं है, हमारे बच्चे को क्यों है, तो उनको भी जानकारी है कि जेनेटिक होता है, आपको हमको भी जानकारी है, लेकिन ये स्पोरेडिक भी होता है। और ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एशियन कंट्रीज में ये बहुत ज़्यादा है कि मायोपिया बहुत हो गया। तो जो रिसेंट स्टडीज़ हैं लास्ट 5 ईयर्स जो निकल के आई हैं, उन्होंने लॉन्ग सर्वे किया है और डाटा निकाला है, तो अब हमारा क्या हो गया है कि हम, हमारा सनलाइट का एक्सपोजर बिल्कुल ज़ीरो हो गया, तो हमारा वाइटामिन डी लेवल बहुत कम हो गया। तो सनलाइट का एक्सपोजर से उन्होंने देखा है कि एक प्रॉपर जितने की सनलाइट के अंदर जो लक्स होता है उसका, जो उसकी इल्यूमिनेशन की जो वैल्यू है, वो किसी बल्ब से अपन नहीं कंपेयर कर सकते, तो वो एक्सपोजर होना सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो, और ख़ासकर बच्चों के लिए। तो उससे देखा गया है कि वो मायोपिया होता है और मायोपिया तेज़ी से बढ़ता है, दोनों चीज़ें देखी गई हैं। तो वो हमें अपने बच्चों को इनक्रेज करना है कि वापस हम उनको सनलाइट में खेलने के लिए, धूप में खेलने के लिए भेजें और उनको एक्सपोज करें। तो इससे दो बचाव होंगे, एक तो ये चश्मे का नंबर आएगा, पहले तो नहीं आएगा, अगर आएगा तो वो तेज गति से नहीं बढ़ेगा, और दूसरा विटामिन डी से रिलेटेड जो ग्रोथ है वो प्रॉपर होगी, जो विटामिन डी की कमी हो रही है और ग्रोथ फैक्टर्स जो कम हो रहे हैं, तो वो ग्रोथ भी उनकी। जैसे चश्मे की बात निकल कर आई है, तो ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सुनने में आता है पास का चश्मा, दूर का चश्मा, नंबर बढ़ रहा है, घट रहा है, तो ये सिचुएशन क्या है? और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दोनों ही लेंसेज दिए जाते हैं, पास का, दूर का, तो ये तो इस स्थिति को टेक्निकल थोड़ा सा चीज़ है। समझना चाहेंगे। नहीं, इसमें ये टेक्निकल चीज़ है, जिसको जो ज़रूरत होती है वो देना पड़ता है। रही बात हमारी चश्मे का पास और दूर की, 40 वर्ष की उम्र के बाद हर इंसान को अपना आई चेकअप करा लेना चाहिए। 40 वर्ष एक कट ऑफ है जहाँ से हम मतलब आप देखें कि हम जो हमारी पीक होती है वो 20-21 वर्ष की होती है, हमारी जो हमारी जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी, जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, और जो ईश्वर ने बनाई है हमारे शरीर को, काया को, तो हमारा 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक हमारा स्टडी रहते हैं। और 21 वर्ष से पहले हम ऊपर जाते हैं और ग्रोथ होती है, फिर 21 से 40 तक हम प्लेट्यू रहता है, फिर 40 के बाद हम फिर डिप करने लगते हैं, हमारी मांसपेशियाँ, हमारी रिक्वायरमेंट ये कम होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है। तो वो एक एज ऐसी है जब हमारी पावर ऑफ एकोमोडेशन, जो नज़दीक देखने की पावर है, वो भी कम होती है और हम वल्नरेबल और एक्सपोज होते हैं जो उम्र से संबंधित बीमारियों के, जिसमें कि सबसे कॉमन है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और अन्य बीमारियां। तो एक बार अपना कंप्लीट हेल्थ चेकअप, जिसमें कि आई चेकअप भी ज़रूरी है, रेटिना, और आई चेकअप में हमारे चश्मे की जांच होनी चाहिए, हमारे इंटीरियर सेगमेंट की जांच होनी चाहिए, हमारे ऑप्टिक नर्व की जांच होनी चाहिए, और डायलेट करके, दवा डाल करके हमारे फंडस और रेटिना की भी जांच होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, जिनसे कि हम अपने आप को वापस अपने रूटीन काम को बिना किसी तकलीफ के कर पाएं और जी। इन आंखों को लंबे समय तक सुरक्षित। अच्छा, जिन लोगों को चश्मा लगा हुआ है डॉक्टर साहब, उन लोगों में, जैसे बच्चे हों या बड़े हों, हम दोनों की बात करेंगे यहाँ पर, जिन लोगों को चश्मा लगा हुआ है, तो क्या उनको अवेयर रहने की उतनी ही आवश्यकता है जितनी साधारण व्यक्ति को, कि आँखों की प्रॉब्लम जो है और बढ़ सकती है चश्मा लगाने के बाद भी, अगर वो लॉन्ग टाइम तक टीवी या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं? चश्मे के नंबर यूजली 20-21 साल तक स्टेबल हो जाते हैं जी, ज़्यादातर, मतलब 19 से 18, 20 ईयर्स, 22 ईयर्स में, ये 18 से 22 साल की उम्र तक चाहे कोई भी है स्टेबल हो जाते हैं। अगर स्टेबल नहीं हो रहा है तो वो 1% पॉपुलेशन में ऐसा होता है कि बिना किसी कारण के भी स्टेबल नहीं हो रहे, और अगर किसी केसेस में ऐसा होता है कि कोई पैथोलॉजी, कोई बीमारी हो जिनकी वजह से वो स्टेबल नहीं हो रहे, तो हमें इसके बीच में अंतर में करना चाहिए। तो ये जो चश्मे का नंबर है, ये किसी का भी स्टेबल होने के बाद फिर वो 20-22 से लेकर के 40 साल तक फिर नंबर में बदलाव नहीं आता। तो चश्मा क्या हट सकता है किसी एक एज पर आके,
किस तरीके से हम अपने आप चश्मा अगर किसी को लगता है तो वो नहीं हटता, यानी कि वो लाइफ लॉन्ग वो हमें उसको यूज हमें करना किसी हाँ लाइफ लॉन्ग यूज़ करना पड़ेगा। अगर किसी को यंग यूथ एज से या 18-20 साल से या 15 साल से चश्मा लगता है तो वो मतलब उसको हटाना ही पड़ेगा। हटाने के लिए आजकल बहुत अच्छी उपाय आ गए हैं, सफल हैं और जिन पे हम विश्वास कर सकते हैं। गत हम 15-18 साल से हम ग्वालियर में ही कर रहे हैं, जिसमें लेसिक लेज़र है और फेकिक लेंस में ICL हैं, IPCL हैं, ये भी कर सकते हैं। और जिनको कि कोई और बीमारी है तो उसका भी इलाज करके चश्मा हटा सकते हैं। जी, जैसे बच्चों को लेकर बात की जाए तो माता पिता को कई बार ये, अगर हम भेंगेपन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि माता पिता को नहीं लगता कि बच्चे में चश्मे को लेकर या फिर किसी दूसरी समस्या जो है वो आंखों से जुड़ी हुई है तो वो बच्चे में हो सकती है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि ये तो बड़े में ही होगा। भेंगापन एक बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत घातक है। और इसमें आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और क्यों पेरेंट्स को ये लगता है कि ये तो छोटा है, जैसा बड़ा होगा तो ये ठीक हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते तो ये भ्रांति है। ये डिक्टम है कि ये मतलब एक प्रिंसिपल है, एक किंवदंती नहीं है, ये बिल्कुल प्रिंसिपल है कि हम लोगों को कोई भी बच्चा स्क्विंट के साथ, भेंगेपन के साथ बड़ा नहीं होना चाहिए। हमको उसका जितनी जल्दी हो उसका निराकरण करना चाहिए। और भेंगापन जो होता है वो आँख में कमजोरी की वजह से होता है, आँख के या तो आँख में चश्मे का नंबर है या आँख में कुछ और बीमारी है, आँख में ट्यूमर है, रेटिनोब्लास्टोमा है बच्चों में, या कोई और ट्यूमर है, या कैंसर जिसको कहते हैं अपन आम भाषा में, या आँख का पर्दा हटा हुआ है या मोतियाबिंदी है सिंपल, उसकी वजह से भी भेंगापन आ सकता है। तो भेंगेपन को तो तुरंत ही किसी को है तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए और उसका निराकरण तुरंत ही करना अगर चाहिए। डायग्नोसिस की बात करें तो, और अगर वो सबसे मतलब कॉमन जो होता है वो सबसे कॉमन चीज़ होती है वो चश्मा, चश्मे का नंबर है, हाइपरमेट्रोप है, एकोमोडेट कर रहा है, आँख अंदर की तरफ चली गई, कोई और नंबर आ रहा है, मायोपिया भी है, आँख में बाहर की तरफ चली गई। तो किसी भी प्रकार का भेंगापन, चाहे वो आँख अंदर की तरफ घूमी है या बाहर की तरफ घूमी है, उसको सीरियसली और गंभीरता से लेना चाहिए। डायग्नोसिस की मैं हम बात करना चाह रहे थे कि किस एज तक डायग्नोस कर लिया जाना है। तो अर्ली एज मतलब हम तो 2 महीने के बच्चे का भी, 6 महीने के बच्चे का भी है तो करना है उसको, और अगर है तो उसको डॉक्टर को सलाह दें, डॉक्टर से मिले, क्योंकि वो सही पर्सन है कि हमें इस के पर्टिकुलर उनके बच्चे के लिए इलाज के लिए हमको चश्मे का नंबर देना है या हमें कुछ ऑपरेशन की ज़रूरत है जी। अभी करना है कि हमें बाद में करना है। आँख में और भी कई चीज़ें होती हैं इलाज करने का, जैसे एम्ब्रायोपिया थेरेपी है, एकोमोडेटिव रिलैक्स करने के लिए हमें कुछ और मेडिसिन देनी पड़ती है, तो कुछ भी है तो ट्रीटमेंट। बच्चे अगर भेंगापन है उसको तुरंत ही नज़दीक के अपने डॉक्टर को आँखों के दिखाना चाहिए, उसको लाइटली नहीं, अपने आप ये ठीक नहीं होता। अगर समय पर इलाज नहीं दिया गया तो कितना गंभीर हो सकता है वो? भाई ये आँख की रोशनी कम कर सकता है परमानेंटली, यही सबसे बड़ा उसका, इसीलिए कहते हैं कि इसमें जल्दी भाई बचपन ऐसी चीज़ है जहाँ हमारी सब चीज़ें बनती हैं। आज हम बच्चे को पैर नीचे नहीं उसके टिकाएंगे तो बच्चा कभी जिंदगी भर नहीं चलेगा जी। उसके तलवे नीचे जमीन पे टकराएंगे तभी वो बच्चा चलने का रिफ्लेक्स उसका बनेगा। बच्चे के साथ हम बात करेंगे तो वो बात करना आपकी भाषा को समझेगा और सीखेगा, नहीं तो नहीं सीखेगा। ऐसी आँख की रोशनी भी है, आँख की रोशनी को भी अगर हमने किसी तरीके से उसको नहीं कराया, उसको देखने को नहीं दिया, हम सिर्फ 1 महीने के लिए एक आँख को पट्टी बांध दें तो उस आँख की रोशनी उस उम्र में जिसमें बनती है तो वो नहीं बनेगी, कम रह जाएगी। तो ऐसे ही तिरछापन जो है वो परमानेंट उसके अंदर आँख को ब्लाइंड कर सकता है, उसकी रोशनी हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, रोक सकता है। यहाँ पर दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि बच्चों से जुड़ी हुई आंखों की जो भी समस्या है उनको गंभीरता से लें। ये ज़रूरी नहीं है कि चश्मा जो है वो बड़ी उम्र में ही लगता है, छोटे बच्चों को भी इस तरह की समस्याएँ हो सकती है, तो इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और अगर आपके बच्चे को इस तरह की कोई समस्या है तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें समय रहते। बढ़ती उम्र की अगर हम बात करें तो जैसे कि 40 के आसपास जैसे ही उम्र पहुँचती है तो आँखों में कई सारी समस्याएँ हैं जो देखी जाती हैं, तो क्या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है जिनकी वजह से आंखों की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? आप बिल्कुल सही हैं, आप सही कह रहे हैं कि एक तो हमारे जो सबसे कॉमन चीज़ है वो डायबिटीज़ जी, और हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की बीमारी जी। तो ये 2 कॉमन प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि आंखों पे भी उनका असर होता है और बहुत खतरनाक असर होता है कि वो रोशनी भी ले जा सकता है आपकी।
तो ये दोनों बीमारियां आंखों पे नुकसान देती हैं, आंखों को, आंख के खून की नलियों को बंद कर सकती हैं और ब्लीडिंग हो सकती है, आंख के अंदर हेमरेज हो सकता है और रोशनी परमानेंट जा सकती है और कम हो सकती है। तो इनका जो है डैमेज को कंट्रोल करने के लिए हमारे लिए तो ये सबसे उचित है कि ये बीमारी हमारी जो कंट्रोल में रहनी चाहिए, चाहे डायबिटीज़ है चाहे ब्लड प्रेशर है, दोनों ही बीमारियों को अगर आपको है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए और उसको कंट्रोल में ही रखना चाहिए। इसके साथ अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को अनीमिया है, तो इन बीमारियों के साथ भी, और कई बार देखा गया है कि मलेरिया है, खराब हो गया, काफ़ी दिनों तक चला तो एकदम से आँख की रोशनी कम हो जाती है क्योंकि मैकुला पे हेमरेज हो जाता है, सब अलर्ट हेमरेज हो जाते हैं। तो ये बीमारियों के अंदर भी अपने को आँख में असर आता है। आमतौर पर आपने जैसे बताया कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या फिर बीपी का जो समस्या है वो आँखों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, लेकिन कई बार ये देखने में आता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी आँख की रोशनी जाने की वजह ये जो सारी समस्या है। तो ऐसे में सिस्टमेटिक इलनेस जो है, अगर व्यक्ति को है तो आप पेशेंट को क्या सजेस्ट करेंगे? मतलब 40 के बाद, जैसे मैंने पहले भी कहा ब्रेक से पहले, कि एक पर्सन को अपना कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए जी और एक बेसिक अपना हेल्थ चेकअप होना चाहिए जिसमें कि ये बीमारियों के बारे में पता चल जाता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल कितना है, हमारा लिपिड्स कितने हैं, डिरेंज तो नहीं है, और उनसे फिर क्या हार्ट संबंधित बीमारियां भी होती हैं, आँखों में भी असर आता है, तो वो हम उनसे बच जाते हैं अगर हमको समय रहते हमको इलाज हो जाए और हमको जानकारी मिल जाए, तो हम उसके दुष्प्रभाव और बीमारियों के जो नुकसानदायक उनके असर होते हैं, जो बाकी पूरे आँखों के अलावा पूरे शरीर पे भी होते हैं, तो वो हम उनसे बच सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि पैरालिसिस हो गई, एक हाथ पैर पूरे रह गए, तो ये भी बीपी के संबंधित है और उसमें ही आँख में भी बैंगापन आ गया। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि आँख पूरी बंद हो गई, एक पलक गिर गई नीचे, या आँख में हिलना या घूमना बंद कर दिया, तो ये भी एक समस्या होती है जो हाइपरटेंशन डायबिटीज़ में होती है, जिनमें पैरालिसिस, आँख की मसल्स की पैरालिसिस हुई। तो ये चेता ऊपर वाला जो है अपने को चेतावनी देने के लिए ये करते हैं। और आँख की समस्या अगर ब्रेन में भी कोई खराबी है तो उसमें भी आँख पे असर आता है, तो उसमें दो तरीके से असर आता है कि आँख का घूमना या भेंगापन आ जाता है, आँख का हिलना या घूमना या मूव करना बंद हो जाता है, या मरीज को दो दो दिखने लगते हैं, डिप्लोपिया कहते हैं, डबल विजन होती है, या आँख की रोशनी के रस पे असर जब आता है तो उसमें रोशनी कम होने लगती है। तो अभी मतलब कई बार हमको देखने में आता है, मरीज कहता है कि हमको जितना हम देख रहे थे पिछले 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में एकदम से रोशनी कम हुई, पता चला कि उसको ब्रेन ट्यूमर था। तो ब्रेन ट्यूमर भी डायग्नोस होते हैं आँख के द्वारा ही, नेत्र रोग विशेषज्ञ कई बार डायग्नोस करते हैं। तो ये ऐसी चीज़ है कि अपना हेल्थ चेकअप और आई चेकअप समय रहते हैं। जिन लोगों की नज़र जो है धीरे धीरे धुंधली होने लगी है और ये अचानक से हुआ है, पहले नहीं था लेकिन कुछ लोगों को सडनली नज़र धुंधली होने लगी है और वो धीरे धीरे फिर बढ़ता जा रहा है, किस चीज़ का लक्षण मानते हैं आप ये? ये तो कोई भी बीमारी हो सकती है, ये ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, डायबिटीज़ भी हो सकती है, हाइपरटेंशन से भी हो सकता है, या पर्दा खिसक रहा है, रेटिना की कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो सकता है, या बहुत ही सिंपल कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है, जी जो तो कई तो जो बीमारियां लोग हैं इसमें खतरे की रिवर्सिबल। गिरफ्त में है, रेटिनोपैथी या फिर हम ग्लूकोमा को लेकर बात करें, तो किस तरह की सावधानियां उन लोगों को रखने की आवश्यकता है? देखिए ग्लोकोमा एक दूसरी बीमारी, जब मैं बार बार इसी चीज़ को एम्फोसाइज करना चाहूँगा और इस पर जोर देना चाहूँगा कि हमें एक बार अपनी आपकी जांच 40 के आसपास करा लेनी चाहिए। दूसरी, अगर जो आप अभी पॉइंट आउट कर रही थी, आप जिसका जिक्र कर रही थी कि हम अगर तो हमको थोड़ा कम दिख रहा है किसी भी एक आंख से, तो ऐसे में इन दो चीज़ों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है और तुरंत ही हमको नज़दीक के अपने आई स्पेशलिस्ट को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण हो सकते हैं मोतियाबिंद के भी, ये लक्षण हो सकते हैं पर्दे के किसी बीमारी के भी, ये लक्षण हो सकते हैं ग्लोकोमा के भी। और ग्लोकोमा एक ऐसी बीमारी है जो कि डॉक्टर ही, नेत्र रोग विशेषज्ञ अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। तो वो ग्लोकोमा के अलग अलग प्रकार होते हैं, नैरो एंगल ग्लोकोमा, ओपन एंगल ग्लोकोमा, तो इनमें से कोई भी प्रकार का ग्लोकोमा है तो वो डॉक्टर ही देख करके बता सकता है और हम किस स्टेज में है, पहले से हैं कि नहीं है हम उसके उसमें, और वो किस स्टेज में है और क्या उसका इलाज है, तो वो डॉक्टर अपने को समय रहते बता देगा, क्योंकि ये बीमारी सबसे घातक बीमारी है, जैसे क्योंकि ग्लूकोमा साइलेंट की आप बीमारी है। बात कर रहे हैं तो शुरुआती लक्षण ग्लूकोमा के क्या हैं और जो जांच का प्रोसीजर है वो क्या है?
तो ग्लोकोमा मैंने बताया कि एक बहुत ही घातक, और ये बीमारी ऐसी है कि अगर इसका इलाज समय रहते नहीं किया गया तो ये परमानेंट ब्लाइंडनेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम देखते हैं कि टोटल बायलेटरल मतलब दोनों आंखों से ब्लाइंडनेस आ गई है पेशेंट को, ऐसी स्टेज में हमारे पास आते हैं और आज की तारीख में भी आते हैं जहाँ पर सब जगह डॉक्टर्स उपलब्ध है। तो हमें समय रहते अपने डॉक्टर को दिखाना है। ग्लोकोमा के अर्ली साइंस जो आप अभी जानकारी चाह रही थी वो ये है कि अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री में ग्लोकोमा है किसी को, हमारी मदर फादर को या हमारे क्लोज रिलेटिव्स में हमारे बड़े भाई बहन को किसी को ग्लोकोमा डायग्नोज हुआ है तो आपको भी संभावना हो सकती है, आपको है तो आपके सिबलिंग्स को हो सकती है, आप अगर वयस्क हैं और 60-70 साल के हैं तो आपके बच्चों को हो सकती है, तो वो ध्यान देना है। आपको अगर डायबिटीज़ है तो आपको ग्लोकोमा होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, आपको मायोपिया माइनस के मोटे चश्मे लगाते हैं तो आपको संभावना ज़्यादा हो जाती है, और जो है कई बार अन्य बीमारियों की वजह से भी ग्लोकोमा होता है, या हम कुछ दवाएँ ले रहे हैं जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं किसी बीमारी के लिए तो किसी डॉक्टर ने सलाह दी है और लेने की ज़रूरत है तो देते ही हैं, तो उसमें उस कंडीशन में भी ग्लोकोमा हो सकता है। शुरुआत के लक्षण यही हैं कि आँख में भारीपन होना, नंबर तेज़ी से बदलना, चश्मे का नंबर बहुत तेज़ी से बदल रहा है और आँख में भारीपन हो रहा है, आँखों में दर्द हो रहा है और रोशनी कम हो रही है, तो ये शुरुआत के लक्षण हैं जिनके लिए हमको नज़दीक अपने डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। जैसे कि मोतियाबिंद बहुत ही गंभीर समस्याओं में से एक है और शुरुआती लक्षण अगर हम जानना चाहें तो मोतियाबिंद के शुरुआती लक्षण क्या हैं और जो उपचार की जो प्रोसेस है वो किस तरह से रहती है? लेकिन मैं आपसे एक बात के लिए कहूँगा कि मोतियाबिंद गंभीर रोग तो नहीं कहेंगे हम इसको आज की तारीख में, क्योंकि इसका बड़ा अच्छा इलाज है और बहुत मतलब ऑलमोस्ट हम 100% केसेस में हम रिकवरी दे सकते हैं, नज़र दोबारा वापस लेके आ सकते हैं और पहले से कई बार तो हम पहले से बेहतर नज़र दे देते हैं मरीज को। तो लेकिन ये सबसे कॉमन बीमारी है आँखों की जी। ये जरूर इस पे मैं आप की बात पर सहमत हूँ कि ये बहुत कॉमन बीमारी है आँख की और ये जो है किसी भी उम्र में हो सकता है। ये बच्चा जब पैदा हुआ है तो पेट से भी आ सकता है कैटरेक्ट, उसको 2-4 महीने की उम्र में पता चले, ऐसा भी हो सकता है 6 महीने की उम्र पे, 1 साल की उम्र पे, 2 साल की उम्र पे, 5 साल की उम्र पे, 10 साल की उम्र पे, तो कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट, डेवलपमेंटल कैटरेक्ट या एज रिलेटेड कैटरेक्ट, तो हमारे न्यूट्रिशन से भी रिलेटेड है और जैसा कि आपने शुरुआत में प्रश्न किया ये अल्ट्रावायलेट राइट उससे भी ये कंसर्न है, क्योंकि हम भूमध्य रेखा के पास है हमारा देश, तो हमारे हम लोग अल्ट्रावायलेट रेस के काफ़ी संपर्क में रहते हैं, तो हमारे यहाँ पर कैटरेक्ट के परसेंटेज, कैटरेक्ट होने की संभावना, मोतियाबिंद होने की संभावना और लोगों के बनिस्बत और देशों की बनिस्बत ज़्यादा है जी। और दूसरी चीज़ हमारा न्यूट्रिशन लेवल भी कम है, हम खान पान में हम न्यूट्रिशन डाइट नहीं ले पाते, तो जिसकी वजह से ये कैटरेक्ट होना कम उम्र में 30-40 की उम्र में ही हमको देखने को मिलता है कि यंग पेशेंट्स आते हैं कहते हैं लीज हमें कैसे हो गया, ये तो बड़े उम्र की बीमारी होती है, पर जो भी कारण रहा है, जिस भी कारण से जेनेटिक कारण भी रहा है तो भी इसका इलाज ऑपरेशन ही है। तो कई भ्रांतियाँ हैं कि ऑपरेशन डिले करना चाहिए, आजकल की तो उसमें ऑपरेशन जितना जब मोतियाबिंद है और आपकी दिनचर्या को आपकी लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर रहा है, आपको दिक्कत आ रही है तो आपको तुरंत ही उसका इलाज करा लेना चाहिए, क्योंकि उसका इलाज सिंपल है, बहुत ज़्यादा उसके रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बंदिशें नहीं है, आप आ करके कुछ घंटों के बाद आप वापस अपने काम घर जा सकते हैं, आप शाम को या अगले दिन से देख भी सकते हैं, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि उसके क्योंकि उसकी सफलता का रेशो बहुत अच्छा है। जैसे सर्जरी के बाद में सावधानियों को लेकर हम बात करें तो क्या कोई विशेष ऐसी सावधानियाँ रखने की आवश्यकता है अगर मोतियाबिंद की सर्जरी, अगर आजकल जिस तरीके से उन्नत पद्धति से सर्जरी की जाती है जिसमें कि बहुत छोटा चीरा लगाया जाता है, माइक्रो इंसिजन सर्जरीज होती हैं और उनमें मुश्किल से 2 मिलीमीटर का इंसिजन होता है, चीरा लगता है और जो है अपना पेशेंट उसी बिना पट्टी के भी घर जा सकता है, या 2-4 घंटे 6 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए पट्टी करके दूसरे दिन से अपने काम रोज़मर्रा के देख सकता है, कर सकता है, एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफस्टाइल रख करके वो बिल्कुल बहुत जल्दी से। हमारे यहाँ डॉक्टर के ऑपरेशन होते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोगों के ऑपरेशन होते हैं तो वो दूसरे दिन अपने काम करने लगते हैं, मरीज देखते हैं, अपने काम करते हैं, अपने ऑफिस बैठते हैं, तो ये आजकल के जो लेवल है मोतियाबिंद के ऑपरेशन का इस तरीके का हो गया है और उसमें सफलता की गुंजाइश बहुत बढ़ गई है। मैं इसको बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके नहीं कहना चाहता, लेकिन ये बात ज़रूर है
कि मरीज को समय रहते करा लेना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लेट करते हैं उतने ज़्यादा परेशानी होने की संभावना बढ़ जाती है। हमें ये नहीं ऐसे पता कि में पर्दे में क्या और जी खराबी आ रही है, हमारे ये नहीं पता कि नस में खराबी कुछ और आ रही है, मैकुलर डिजनरेशन हो रहा है या कोई डायबिटीज़ की वजह से रेटिनोपैथी हो रही है। तो ये चीज़ें जब होने लगती हैं तो हम ये समझते हैं मोतियाबिंद की वजह से, पता चलता है कि अंदर सीआरवी और बीआरवी कुछ और हुआ और उसकी तो रोशनी कितना कम हो समय गई। आप मानकर चलते हैं कि इतने समय में ये ठीक हो जाएगा? 7 दिन 5 दिन में आप अपने रोज चलना फिरना उठना बैठना देखना तो दूसरे दिन से शुरू हो। जी, कुछ मिथ है ऐसे हैं मोतियाबिंद को लेकर जिन पर हम दर्शकों को अवेयर करना चाहेंगे कि कुछ लोग मानते हैं कि केवल बुढ़ापे में होगा, या फिर आँखों के जो ऊपर का हिस्सा है केवल उसमें होता है, या फिर इसे केवल लेज़र के द्वारा ही निकाला जा सकता है, या फिर एक आँख से ये दूसरी आँख में भी फैल सकता है। कुछ इस तरह की जो भ्रांतियाँ हैं लोगों के मन में, हम चाहते हैं कि आप समझाएं। अब जैसे पहले आपने बताया कि पहला प्रश्न आपने किया कि बुढ़ापे में ही होता है, जी तो मैंने अभी ये किसी भी उम्र में हो सकता है, तो और ये किसी भी कारण से हो सकता है, चाहे बच्चा पैदा हुआ है, एक दिन के बच्चे को भी हो सकता है और 1 साल के बच्चे को भी हो सकता है, 10 साल के बच्चे को भी हो सकता है, और 20 साल में, 50 साल में, 30 साल में, किसी भी उम्र में, बड़ी उम्र में, 90 साल में भी हो सकता है, उम्र इसका कोई वो नहीं है। और बीमारियों के साथ इसका जरूर संबंध है, डायबिटीज़ में जल्दी होता है, कुछ हमारे एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें जल्दी होता है, गैलेक्टोसीमिया है, और कुछ और जैसे स्टीरोइड्स खाने में लिए जाएं या आँखों में डाले जाएं दवाएं तो उनसे भी मोतियाबिंद हो जाता है, हमने एलर्जी के लिए स्टेरॉइड दिया या मरीज़ ने कहीं से भी ले लिया तो उनसे भी मोतियाबिंद हो सकता है। और जो है ये आँख के ऊपर जैसा आप बोल रही हैं तो वो आँख के अंदर के भाग जो लेंस अपना कुदरती है वो जो पारदर्शी होता है हमारा लेंस, वो मोतियाबिंद में वो पारदर्शी ना रह करके वो धूमिल हो जाता है, वो अपारदर्शी हो जाता है, उससे रोशनी की किरणें आर पार नहीं जा पाती तो हम देखना हमारे को दिक्कत आने लगती है, दिखना कम हो जाता है। साथी, क्या एक आंख में अगर मोतियाबिंद है तो क्या वो दूसरी आंख में फैल सकते हैं? मोतियाबिंद रोग अगर सिनाइल है तो वो बायलेटरली होता है, दोनों में ही होता है, चोट से है तो एक आँख में हो सकता है, दवाई डाल ली है तो एक आँख में, अगर दवाई दोनों में डाली है तो दोनों में हो सकता है, तो जी आदतन ये बायलेटरल दोनों आँखों में ही होता है, जी अगर ये चोट से है तो भले यूनिलेटरल होगा। जैसे सर्जरी को लेकर एक चीज़ और सुनने में आती है कि लोगों का ये मानना है कि सर्जरी केवल सर्दियों में करवानी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत ही बड़ी भ्रांति है भाई। आप टेक्निकली हम क्या सर्दी गर्मी में खाना थोड़ी बंद कर देते हैं, जी और हम कुछ चलना रहना है को भी जो भी अपने कार्य हैं, आपका स्टूडियो है, लोगों के कार्य, ये सब थोड़ी बंद हो जाते हैं कि बहुत गर्मी हो गई तो सर्दी बंद कर, ये अब बिल्कुल भ्रांति है, ये बहुत बड़ी मिथ है, हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। मौसम से कोई भी इसका वो नहीं है आपस में, और बड़ी गर्मी में भी भले ही 50 टेम्परेचर है, भाई किन देशों में टेम्परेचर साल के 12 महीने में से 10 महीने 50 रहता है, जी तो उन देशों में भी मोतियाबिंद होते हैं, उनके भी ऑपरेशन वहाँ होते हैं उस मौसम में, यानी तो वेदर को लेके इसका कोई बिल्कुल ये वो कंडीशन नहीं है। और दूसरी चीज़ आप ये पूछ रहे थे कि ये जो है अपना दोबारा से आने का, जी कि ये मोतियाबिंद दोबारा नहीं आता, मोतियाबिंद जो है हम एक झिल्ली छोड़ते हैं जिसको कि हम पोस्टीरियर कैप्सूल कहते हैं, तो वो चूंकि हम साफ कर देते हैं ऑपरेशन के दौरान, लेकिन वो अगर चूंकि हमारा जीवित शरीर है तो उसमें हमारी टिश्यू की सेल्स का बढ़ने की, ग्रोथ होने की, हीलिंग की कैपेसिटी होती है, तो वो दोबारा से बनने लगता है, तो उसके लिए दोबारा ऑपरेशन नहीं किया जाता, उसको लेज़र किरणों से सफाई कर दी जाती है, तो एक बार से दोबारा पुनः वो प्राप्त कर लेते हैं अपनी रोशनी। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों में काले धब्बे फ्लोटर्स जो है वो पाए जाते हैं, क्या चीज़ समझते हैं आपकी ये फ्लोटर्स दो किस कारण कारणों से से हो होता सकते हैं, है? फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। तो फ्लोटर्स के लिए हमें अगर किसी को एकदम से हुए हैं और ये तब तो उसको तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये एक गंभीर बीमारी जिसको कि रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं, उसके लक्षण शुरुआती हो सकते हैं, और या फिर फिजियोलॉजिकल जो हमारी उम्र की वजह से होता है जिसको कि हम पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट कहते हैं, पीवीडी कहते हैं आम भाषा में, उसकी वजह से काले धब्बे आते हैं, तो या और तीसरा लक्षण हो सकता है कि आँख के अंदर खून के रिसाव हुआ है, खून की नलियाँ कमज़ोर हुई हैं, नियोवास्कुलराइजेशन हुआ है, वो लीक कर गई हैं, तो उसकी वजह से भी काले धब्बे आ सकते उपचार हैं। की क्या प्रोसेस है इसके लिए? तो हमें अंतर करना है डॉक्टर को कि ये गंभीर है कि नहीं गंभीर,
गंभीर है तो मतलब वो बीमारी का हुआ है, तो अगर उसमें शुरू कहीं रेटिना में पर्दे में कहीं ब्रेक हुआ है तो टीयर बना है तो उसकी वजह से आया है, तो हमें उसको लेज़र करके उसको बंद करना है। अगर वो हेमरेज की वजह से है तो हमें जिस बीमारी की वजह से वो आँख के अंदर हेमरेज और न्यू वास्कुलाइजेशन हुआ है उस बीमारी को ठीक करना है, और आँख का इंजेक्शन देने की ज़रूरत है या लेज़र करने की ज़रूरत है तो वो करना है। तो हमें उस बीमारी का जिस कारण से ये हुआ है उसको करना है। तो अंतर ये करना है कि ये बीमारी की वजह से या उम्र की वजह से, बढ़ती उम्र की। और जैसे रेटिना को लेकर हम बात करें तो किसी बच्चे की अगर बचपन से रेटिना में किसी तरह की डिफेक्टिविटी है तो उस उपचार क्या है उसका, क्या वो ठीक हो सकता है आगे चलकर? मेरे ख्याल से कई बीमारियां ऐसी हैं जिनमें कि उपचार हो सकता है और कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जिनमें उपचार नहीं हो सकता। लेकिन जिनमें उपचार नहीं हो सकता उन मरीजों के लिए भी लो विजुअल एड्स, लो विजन एड्स करके ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि जो हमारी बची हुई नज़र है उसका हम पूरा इस्तेमाल करके, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके उसकी लाइफस्टाइल को आसान बना सके मरीज के, तो वो अपने को करना चाहिए। कॉन्टैक्ट लेंस की अगर हम बात करें तो आवश्यकता कब होती है कॉन्टैक्ट लेंस जो है लगाने की, और सावधानी क्या रखी जाए? कॉन्टैक्ट लेंस विकल्प है चश्मे का जी, और अगर किसी को चश्मा नहीं पहनना है तो वो कॉन्टैक्ट लेंस पहन सकते हैं, तो क्योंकि उसमें चश्मे से जो परेशानियां होती हैं और जो कॉस्मेटिक ब्लेमिश है जो देखने में लोगों को भद्दा लगता है कई बार, तो वो उससे बच जाते हैं। और उसका विकल्प है उसका, अगर अपन अच्छे हाइजीन के साथ उसको पहन रहे हैं तो आप कई सालों तक उसको पहन सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके साथ थोड़ी सी सावधानियाँ अपने को ज़रूर रखनी है कि समय रहते हैं उनको बदलना चाहिए, अपने को वीकली डेली डिस्पोजेबल, वीकली डिस्पोजेबल या मंथली डिस्पोजेबल लेंसेज से हमारे जो कॉन्टैक्ट लेंस की क्वालिटी है और आँखों में जो ड्राइनेस और इरिटेशन और इन्फेक्शन की संभावना है वो कम होती है, न्यू जो ब्लड वेसल्स ग्रो करने लगती हैं या कॉर्निया के सेंसेशन कम होते हैं या कॉर्निया के अंदर अल्सर होता है, वो सब चीज़ें कम होती हैं। तो हमें उनकी हाइजीन, उनकी केयर प्रॉपर करनी चाहिए और डस्ट और सिंपल वाटर से उसको नहीं। अच्छा, जो लोग पहनकर सो जाते हैं लेंस को पहनकर सो रहे हैं या फिर स्विमिंग कर रहे हैं, ये कितना खतरनाक है? ये देखिए, स्विमिंग में तो वो निकल जाएगा लेंस, तो वो तो करना नहीं है। और पहन के सोने से क्या होता है कि हमारे कॉर्निया में सूजन आ जाती है, और वो अगर सूजन से एकदम से दिखना बंद हो जाता है या फिर उसके अंदर घाव बन जाते हैं, तो पहन के सोना, आप आधे घंटे सो रहे हैं 15 मिनट लेट रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो आपके लिए घातक है, दिक्कत वाली बात है। जी डॉक्टर साहब, चलते चलते दर्शकों को हम आपके द्वारा जानकारी देना चाहेंगे किस तरह का खान पान जो है युवा रखे, क्योंकि आजकल जंक फूड्स बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आँखों की अगर बात करें तो आँखों के लिए कौन सा खान पान है जो फ़ायदेमंद होता है, जिनसे आँखों की रोशनी को बढ़ाया जा सकता है, और क्या चीज़ें जो अवॉइड करने की आवश्यकता है? देखिए, ये जो आपने जंक फूड और ये सब जो है ये डेफिनेटली हाइजीनिक वो जो है न्यूट्रिशियस नहीं होने की वजह से हमारे शरीर को और सबसे ज़रूरी चीज़ आँख को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और रही बात तो खाने में, तो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए और एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें कि सब कुछ हो, दालें भी हों प्रोटीन्स लेने के लिए, अनाज भी हों कार्बोहाइड्रेट्स लेने के लिए, शुगर भी हो जितनी कि ज़रूरी है, और विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, तो इनसे भरपूर जो भी फ्रूट्स हैं उनसे ही हमको बहुतायत में मिलते हैं, मिनरल्स हैं विटामिन्स हैं, तो इनसे हमारे एंजाइम्स बनते हैं, इनसे हमारे हार्मोन्स बनते हैं, तो ये हमारे को फ्रूट लेना भी बहुत ज़रूरी है, और किसी भी प्रकार से जो भी सीजनल फ्रूट है वो लेना चाहिए। आँखों का ख्याल रेगुलरली अगर हम रखने की बात करें सामान्य युवा, तो वो आँखों का ख्याल नियमित तौर पर किस तरीके से रख सकते हैं, क्या मतलब उपाय करें वो ऐसे जिससे आँखें उनकी सही रहें और आगे चल के चश्मा या कोई ऐसी स्थिति निर्मित ना हो? आपने शुरुआत में सारी बातें अपनी हो ही चुकी हैं कि जब अपन काम कर रहे हैं, कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं, जो अपन, तो उसमें अपन प्रॉपर जो निर्देश दिए गए पूर्व में उनको उनको उनके साथ रहें, चश्मे की ज़रूरत है तो चश्मा पहने, और अगर बाहर जा रहे हैं तो आउटडोर में भी अपने को प्रोटेक्टेड रखें अपने आप को, और आँखों को नियमित रूप से अपन वॉश करें, प्रॉपर डाइट लें, केयर करें, चोट से बचें, बच्चों को चोट से बचाएं। आजकल हम देखते हैं कि चोट जो है वो सबसे ज़्यादा बच्चों में पाई जाती है, सब पेरेंट्स बिजी हैं, वर्किंग हैं,
बच्चे अकेले खेलते हैं, पहले बड़े बड़े घर में होते थे बच्चे, वो छोटे बच्चों को ध्यान रख लेते थे, और चाचा चाची और बुआ हैं ये सब जो जॉइंट फैमिली होती थी तो वो बच्चे उनके देख रेख में बड़े होते थे। आजकल ये बहुत देखा गया है, आज ही हमने एक बच्चे को चोट लगी, हसीये से चोट लगी, तार से चोट लग रही है, अपन कुछ जल रहा है उसमें से कुछ उछल के आ गया उससे चोट लग गई, ईंट पत्थर ये सब चीज़ों से खेलते हैं जो बच्चों को तो पता होता नहीं है। तो चोट से हमको बचाना चाहिए, उन बच्चों को ख्याल रखना चाहिए विशेष रूप से, और उनकी केयर करनी चाहिए, और ऐसी चीज़ें से अगर वो देख रहे हैं खेल रहे हैं कुछ तो आपस में उनको रोकना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है जी। उम्मीद है दर्शकों को उनकी सारी समस्याएं जो आंखों से संबंधित हैं, उनके सवाल जो भी थे उनके जवाब डॉक्टर पुरिन ने दे दिए हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर होगी मुलाकात डॉक्टर एडवाइस में। डॉक्टर साहब स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद SKS चैनल। थैंक यू डॉली।